ये वो पार्ट है, और पेरियम बीच का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये गोवा का लास्ट बीच है। आपको कोई ना कोई बीच जो है अभी हमेशा छूट ही जाता है। ये देखो नज़ारा। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग फ्रॉम गुड़गांव। अभी आप देख रहे होगे एकदम सडन प्लान बनाए गोवा जाने का, कुछ काइंड ऑफ इमरजेंसी ऐसा था कि अचानक से मूड बना, छुट्टी थी, निकल रहा हूँ। मेरे साथ फिर से एज ऑलवेज राहुल है, वो आने ही वाला है। एंड हमारी फ्लाइट जो है 10 बजे की है, 12:30 में हम गोवा एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे। वहाँ से भी देखते हैं क्या करना है, ऑन द स्पॉट प्लान बना है। बहुत ही सडन, इतना कभी नहीं होगा। अभी आधे घंटे पहले टिकट बुकिंग हुई है। राहुल भी आ ही गया, इसका भी ड्रेस कोड देखो एज ऑलवेज। यहाँ से हमारी गोवा ट्रिप स्टार्ट होती है, बट प्रे कि जो फ्लाइट है जो वो मिस ना हो। बस इतना सडन प्लान आज तक लाइफ में कभी जलंधर से फगवाड़ा कभी नहीं बना होगा जहाँ हम रहा करते थे। तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। रोड से अबे हम लोगों का घर भी उसी का है। हाँ। वो प्लॉट लीज में है। हाँ। डेवलप का ही प्लॉट, किसी का ओन नहीं है। अच्छा, अभी जैसे कैब में बैठ गए 20 मिनट्स। हाँ। यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ से 20 मिनट्स का रास्ता है, टर्मिनल 3 है एयर इंडिया। ऐसा तो फिर अभी काफ़ी जल्दी में है इसलिए भी, क्योंकि अभी देख रहे हो गए आप राहुल अभी चेकिंग कर रहा है, और मुझे भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करनी है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा अभी ब्लॉग नहीं बना सकता। मैं पहुँच के सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, किस तरह से प्लान बना, क्या क्या चीज़ें, इस काइंड ऑफ सरप्राइज विजिट कह सकते हो। तो दिस इज़ आवर 5th टाइम गोवा। तो गोवा तो वैसा हो गया कि जितना हम अभी लाइक कॉलेज नहीं जाते थे, जितना हम किसी ट्रिप पर कहीं नहीं गए, आज तक उतना हो गया बाहर। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि जनवरी में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। गोवा में सबसे अच्छा मौसम जो है वो जनवरी का ही होता है। जनवरी बेस्ट टाइम बोलते हैं विजिट के लिए, ऐसे दिसंबर से लेकर मार्च तक कम होता है, बट इसका मिड टाइम जनवरी बेस्ट टाइम। तो लेट्स सी क्या बेस्ट होता है वहाँ पे, इस रूप में भी एक बार देखते हैं उस जगह को, फिर आपको हो गया। गाइस 20 मिनट्स लगे हैं पहुँचने में, एक बार पहुँच चुके हैं अभी हम। फ्लाइट शायद मिल जाएगी क्योंकि अभी 8:30 बज रहे हैं एग्जैक्ट, और 10 बजे की फ्लाइट है। जल्दी जल्दी हमें चेकिंग करना है और बोर्डिंग वगैरह, चेकिंग तो वेब चेकिंग तो कर लिया है, बाकी बोर्डिंग वगैरह जो है अभी करने वाला है। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, लगेज वगैरह सिक्योरिटी चेकिंग कर रहे हैं। कौन सी फ्लाइट है एयर इंडिया इस साइड होता है शायद, मेरे ख्याल से यहाँ एयर इंडिया उधर लेफ्ट साइड। जल्दी भाई, इतनी लंबी लाइन लगी है, हम लोग को जल्दी कराना पड़ेगा। लेकिन कहाँ है लाइन ये रही लाइन ही तो है, एयर इंडिया तो वो है। तो नंबर ही नहीं आएगा क्या? नहीं एयर इंडिया में लाइन नहीं है। देखो कैसे दौड़ रहे हैं लिटरली। टाटा पंच बहुत अच्छा निकाला, 5.6 से स्टार्टिंग है इसकी, बहुत अच्छी गाड़ी है। हमारे एक मित्र हैं, एक ही हैं, अब हम जाएंगे बैठ गए। कुछ नहीं खाया हमने पता है, सुबह पराठे कहाँ है, बस एक सैंडविच खाली हो गया। देखो दो चर्सी जाते हुए नोएडा, दिन भर फॉर्मल पहन के रात में हो गए। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए हमें मोदी जी ने स्पेशल बुलाया है। हमें कपड़ा ले लेंगे इनसे। 10-15 मिनट के मुझे टाइम दो, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे कैसे प्लान बना है और आगे का प्लान क्या है। तब तक के लिए आप मुझे 10-15 मिनट का वक्त। वो मान गए हैं पूरा पहले से ही, क्या हम लोगों ये सब पागल हैं, उनको लग ही होगा कि इतना पागलपन आ रहा, अकेले नहीं आया होगा ये। चलो हम, अरे नहीं चला, हम ये जाते हैं, हमारी उड़न तस्तरी ये सब जाएगा। और ये हम, चलो बाय, टेक केयर। और ये हम अपनी सीट पे आ चुके हैं, मेरी आवाज़ तो आ नहीं रही होगी आप लोगों को। मेरी सीट विंडो है, उसकी सीट पीछे है, मेरी विंडो गाइस, मेरी विंडो जो बोल रहा है। विंडो लेना था तुमने, आगे पीछे लिया है इसलिए। और कोई बात नहीं है, लेकिन हम चेंज कर लेंगे, खाना साथ में खाना है, खाना इज मोर इम्पोर्टेंट। चलो बाय, मिलते हैं खाने के टाइम। ये देखो गोवा की पूरी फ्लाइट खाली है, एक सामने भाई साहब बैठे हैं और मेरे जिगरे यहाँ बैठे हैं, बस बाकी मैं कुछ भी बोल सकता हूँ क्योंकि वॉइस ओवर तो करना है, मास्क फायदा है। हाँ मेरा क्या लेडीज एंड जेंटलमैन, गोवा की कंप्लीट दूरी 1800 किलोमीटर को 2 घंटे 35 मिनट में कवर करेंगे। कुर्सी की पेटी बांधे रखी है, पठान रिलीज हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम एक बहुत अच्छा नज़ारा टर्बुलेंस देखने वाले हैं।
कुर्सी की बेटी को फिर से बांधे और टर्बुलेंस का आनंद लें। वे पठान को बचाने, अगर टर्बुलेंस ज़्यादा आती है सलमान खान भी काम नहीं आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मेरी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा फटने लगी है, तो कृपया करके आप ही आनंद ला लें। लेडीज एंड जेंटलमैन, एयर इंडिया में आपका स्वागत है। भोजन का आनंद लें, टैप टू ट्रैवल चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इस पराठे का आनंद लें। टाइम हो रहा है 12:30 और एज ऑलवेज द सिग्नेचर कारपेट ऑफ गोवा, फिर से वही सिग्नेचर कारपेट दिखते हुए कारपेट से ही पता चल जा रहा हूँ गोवा आ चुके हैं। गाइस बहुत बहुत अनएक्सपेक्टेड जर्नी रहा, बहुत अनएक्सपेक्टेड, और आपको यहाँ पे कारपेट से ही पता चल जा रहा होगा। तो आई लव दिस कारपेट एक्चुअली, घर पर भी लोग वाले इतने सालों से यही वाला कारपेट सिग्नेचर। याद है हम लोगों का वो सिग्नेचर ढाबा हो गया, लकी स्टार ढाबा चौको बे। पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और ये है गोवा एयरपोर्ट। यहाँ से टैक्सी लेने से बेटर है कि आप अपनी कोई भी गाड़ी जो है यहाँ पे, कार या फिर स्कूटी बाइक जो भी है, आप यहीं पे लो और यहीं पे रिटर्न करो। आप 10 दिन 6 दिन 5 दिन जितनी की ट्रिप करते हो वापस यहीं पे रिटर्न करो। तो कहाँ जाओगे, मडगांव? नहीं नहीं, इधर ये रेलवे स्टेशन वास्को द गामा वाला स्टेशन। वास्को दे गामा रेलवे स्टेशन है ये, उसके पास ये 24 आवर खुला है। काफ़ी अच्छा एक कैफे टाइप है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ से स्कूटी जो हम ले रहे हैं, लेके फिर निकलते हैं मोरजिन तरफ, अश्विन जाएंगे। बाउंड्री स्टार्ट होगी कल से, इसकी जर्नी तो स्टार्ट हो चुकी है पहले ही, लेकिन अभी जो है मेन वही होता है कि रात का टाइम है अभी 1:45 हो रहे हैं, तो 2 घंटे बाद सुबह होगी, तब तक हम पहुंच ही जाएंगे 2 घंटे में। 2.5 घंटे मैक्सिमम लगेंगे हमें पहुँचने में यहाँ से, है ना, मैक्सिमम 2.5 घंटे लगेंगे पहुँचने में। तो यहाँ पे 24/7 वाला मिल गया है कैफे, बहुत अच्छी बात है, इसलिए कुछ खा पी के फिर निकल रहे हैं यहाँ से। बेचारा मुँह से निकाल के दे रहा था 5 लीटर पेट्रोल था पहले से, क्योंकि पूरा भर गया ना, अभी 3 लीटर लाए थे तो दाम भी तो बहुत जोड़ा है ना। ये क्या था, कुहासा जनवरी में गोवा में? अरे फॉग थोड़ा थोड़ा होने लगा है अभी, हिमाचल की थोड़ी सी सर्दी आ गई है यहाँ पे, हम लोग खुद आए हैं ना यहाँ पे ठंड लेकर। और यहाँ से राइट होटल की गलियारों में। सुबह के 3:30 बज रहे हैं, 3:45 हो रहा है, बाकी का ब्लॉग जो है कल मैं आपको दिखाऊंगा, पोस्ट पर एडिट हो जाता है। तो ये वो पार्ट है, और बेरियम बीच का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये गोवा का लास्ट बीच है, आपको कोई ना कोई बीच जो है अभी हमेशा छूट ही जाता है। ये देखो नज़ारा।